हेलो अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों को, नया दिन नया ब्लॉग। वीर जैसे उधर खड़ा है और मेरी पाइपें उधर लगाई हैं, मुझे शक है उसने जो है ना कर लिया है, तो इसे साफ कर लिया है। हाँ रोन क्या देखता फिर रहा? मैं भी आया हूँ यार, अभी ये देख इसकी आँख में लगा, इसको नहीं मैंने बोली थी भाई। आगे से ना मेरा एक मशवरा है, कबूतर जो है ना कोई भी आता है ना वारा उसको पकड़ो यार, ये आंखें खराब वाले। और भाई इनके इनकी बीमारी दूसरी है, इनका इसको जख्म है, इसको बीमारी वो नहीं है, बीमारी तो बीमारी है। और नहीं बीमारी नहीं ना है, इसको तो जख्म है। मैं कह रहा हूँ जो भी कबूतर आए पकड़ो, पकड़ के दस्ती जाके बोतल पी लो कुछ भी उसको अंदर नहीं छोड़ना। यार मेरा लगभग साफ साफ लग रहा है, हो गया साफ हैं? काली मछलियां ये कितना मर गई हैं? नहीं जी वो इधर पानी दूसरी बाल्टी से पाया ना। हाँ इधर एक ना फड़ फड़ के पानी है, पांच मिनट बाद ऊपर तरन लग गई हैं। समर से बाहर है, बड़ी भी हुई हैं पहले से। चुटाली है, चलो पूछेंगे किसी से कि भाई क्यों मरी हैं। बाकी सारी फेट है? हाँ जी मेरा ख्याल है ना, जो पानी क्यों उधर घर के फड़ फड़ के इधर ना गिर गया, वो मर गई हैं और वजह हमें नहीं पता क्या है। हालांकि हम लोग तो सफाई कर रहे थे इसकी, अब पता नहीं क्या वजह बनी है। बाकी जो है माशाल्लाह से फिट फिर रही हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। ज़्यादा तो उसको ज़रा ना बैड न्यूज़ देते हैं, कबूतरों को भी हरून दवाई वगैरह दे रहा है, बेहतर हो रहे हैं। नुकसान देख लिया जो नुकसान देख लिया यार, समझ नहीं आई यार। अब तो और मछलियाँ लानी पड़ेंगी, 200 ले के आते हैं, खुद जाएंगे, बंदे से नहीं मंगानी, खुद जाएंगे, खुद लेके आएंगे। बाकी अब ज़ाहिर आता है उसको भी न्यूज़ देते हैं, अगर न्याजी आ गया उसको भी न्यूज़ देंगे। आज जो है ना अच्छा करते हुए हमारे साथ बुरा हो गया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी हमारा चलता फिरता जो है वो करण मर जाता है, कभी जो है हमारा फिट फिरता हुआ वो गिनी फॉल का बच्चा मर जाता है, और आज हमारी मछलियाँ मर गई हैं। समझ से बाहर है ये, ठीक है शुक्र है। 200 वह जो हालात है खुद ही खानी बनती है। ये भी कम कम नजर आ रहे हैं क्योंकि बीमारी से बीच में जो है ना काफी कबूतर जो है ना उनको जो है ना काम हो गया है, मतलब कि वो एक्सपायर हो जाते हैं या फिर जो है ना वो आंखें खराब के साथ उड़ते हैं और फिर उनसे वापस आया ही नहीं जाता। रीजेंट हमारे अंदर जाके देखता हूँ, कल तो ये पेंट गीला था मैं फिर गया नहीं था अंदर। रीजेंट फिट है फिलहाल, जो है ना डरते हैं तो बाहर नहीं आते, और बाहर आए भी तो बाहर आके जो है ना ये छत के अंदर उड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जाली जो है ना वो सही कह रहे थे उन्होंने, बड़ी पक्की करके लगाई, लेकिन फिर भी ना इसके अंदर से जगह है अभी, इसको भी यार फिक्स कराता हूँ। और हम लोगों ने सोचा है कि ना इसके अंदर ना हम लोग यहाँ ये दो छतों का ये और फ्रेम है ना इन पे ऊपर लगाएं फ्लेक्स ताकि अंदर पानी ना आए, और इस दरख्त के इर्द गिर्द ना हम लोग लगा दें जो होते नहीं छोटे कुछ जिनके अंदर तोते ब्रीड करते हैं, और इसके अंदर साथ हम ला के जो है ना छोड़ लें कोई जो है ना थोड़े से जो है ना जो बजरी तो नहीं होते जो, क्योंकि लव बर्ड छोड़ने को छोड़ लें, लेकिन लव बर्ड ने जो है ना ये लकड़ी और ये जाली इसको नहीं छोड़ना, काट देनी है। बजरी तोता ज़्यादा छोटा साइज़ का होता है, वो जाली नहीं काटता, तो जो है ना अब फिलहाल तो जो है ना दुख मिला हुआ है। गिनी फाउल ठीक है, कुत्ते भी निकालते हैं अभी,
गर्मी जो है ना वो जान नहीं छोड़ रही अपनी, पता नहीं कब जाएगी। एक दिन बारिश पड़ी है उसने हमारा सारा काम खराब कर दिया। पहले हम बारिश का इंतज़ार करते थे, वो बारिश से डरते हैं। खैर अब जो है ना पक्का काम कर लेंगे इसका, वैसे इसका ये तो जल्दी गंदा नहीं होगा। मुझे पहले भी डर यही था कि जिस दिन बारिश पड़ी मिट्टी सारी अंदर चली जानी है, और मिट्टी अंदर गई फिर हमने सफाई की और सफाई के दौरान काम हो गया हमें। एक इसका भी जो है ना मैंने बैठे बैठे ने कल रात जो है ना सिस्टम सोचा था कि हम पानी को साफ़ कैसे कर सकते हैं, वो ही मैं कोशिश करूँगा कि ना बनाऊँ एक किस्म का ना एक क्या कहते हैं देसी फिल्टर, उसका भी हिसाब किताब लगाते हैं। बाकी बुजैर का वेट करते हैं, उसको भी न्यूज़ देंगे। कबूतरों को भी मैंने कहा नज़र मार लें, दाना तो खैर इनको डल गया है, ये हमारे इधर लग गए हुए हैं। असल में ना हमारा जो गोजरे वाला दोस्त है उसको दो पेयर चाहिए। ये जो हमारे वाइट वाले पेयर है ना ये, तो इनका देखना है अगर तो इनके बच्चे सेल्फ हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो वेट करना पड़ेगा। दो बच्चे ये हैं, सफेद वाला दूसरा जोड़े का काना कौन सा वाला? मैं कहा सफेद दूसरा जोड़े का खाना कौन सा वाला? उधर वाले तो बच्चे देख लिए मैंने, ने खुद खाने पीने जोगे हो गए होने। करो तो प्यारे इनके निकलते हैं। तो दूसरा जोड़ा देखना था मैंने उसको, हो सकता है नंबर ही है वो। हाँ 29 नंबर ही है। खैर अभी दो चार दिन लगेंगे उन बच्चों को भी सेल। ओए देखिए जरा अरुण को अपने खाने चौके हो गए होने ये चिट्टे यार, जोड़े दो चिट्टे जो है ना उधर भेजने हैं गोजरे। ये वाले सिर्फ दो जोड़े बच्चे नहीं बड़े जोड़े। बच्चे पल जाना यार इधर, उधर हमने रिंग डाल ली है, यहाँ रिंग डालने भूल गए हम लोग, बच्चे नीचे उतर गए। ये बच्चा बड़ा बहुत बड़ा हो गया, जो पहला निकला था जो फिर रहा था ये उधर जो भी नहीं। वो उसको चाहिए था, मैंने कहा यार मेरे पास इधर फेर ही रहे हैं, मैं कहा सफेद कबूतर जाना निकाल लें। हाँ वो झाड़ू उधर रह गया था, झाड़ू इन्होंने जो है ना पूरा उठा के अंदर ले गए। तकनीक है पूरा पूरा ये तीला उठा के ले गए उन्हें। नहीं तीला उठाया लेकिन खड़ना। हाँ वो भी है। बाकी जो है इनके माँ प्यो मैंने कल दे दिया था दोस्त को, ये सेल्फ हो गए हुए हैं बच्चे दोनों। एक बच्चा वो ऊपर उतारा हुआ है इन्होंने। नहीं इनको ऐसे करना ये तीले उठा के ना इनको तोड़ के छोटे साइज के रख देते हैं, अपना सही से खाना बना लेंगे। ऐसे बनती है जी इनकी नेस्टिंग, तीले वगैरह तोड़ के अगर हम लोग रख दें ना तो ये खुद ही बना लेते हैं। फिलहाल तो उन्होंने इतने बड़े बड़े जो है ना वो तीले अंदर ले गए, ये भी उठा के इनको तोड़ के रख देते हैं, खुद ही अपना दोबारा घोंसला बना लेंगे। यहाँ से वो एक जोड़ा रूम में दे दिया था ऊपर वाला, ये वाला जिसके ये बच्चे हैं ना वो आदल नहीं लड़का दोस्त था अपना जिसके पास वो डेविल था, वो कहता यार नया नया शौक चढ़ रहा है तो हाँ मैंने भी रखने हैं, तो कहता जोड़ा कोई हो जो ब्रीडर हो। मैं फिर मैं कहा ये बच्चे पल गए हुए हैं ये जोड़ा ले जा, मैं कहा ये भी गारंटी है कि ब्रीडर है। ये अंदर बड़ी मोटी बैठी है कि बच्चा निकला हुआ है, ये बच्चा निकला हुआ है। इनको दाना कौन दे रहा है? दाना खुद खाते हैं ये बच्चा। हाँ
पानी बाहर आके पियेंगे तो प्यास लगेगी इनको, या इनको बाहर छोड़ दें, उड़ के अंदर जाएंगे, इनको बाहर छोड़ देते हैं। ये देख लो बड़े बच्चे ना, सेहतमंद बच्चे पले हैं माशाल्लाह से हमारे, बड़े अरसे बाद। हाँ वो मैंने देखा है, वो ऊपर काला हुआ है, वो जब जो जोड़ा वहां पे अंडे देता है ना, उसके मैंने दो दफा अंडे फेंके हैं कि यहाँ बच्चे ना निकाल लें, फिर भी निकाल लिया है उन्होंने। हाँ स्पॉडी आ गई है बाहर, उजैर आ गया है, आके जो है ना देख रहा है। हाँ जी इतनी थी, वो एक मरी है, फिर एक नहीं मरी, वो देख उधर, ये कैसे मरी है यार ये, ओ देख इधर चला गया, ओए दांत निकल जाना तेरे अभी, सारा भेज जाना सी, मैं अपना देख लो ना, मैं जाली में फाटा, ये कैसे मर गई यार, ये कल तक तो बिल्कुल छोटी थी सारी यार, वो पानी के चेंज करने से भाई, ये जो है ना मरी चीज को भी नहीं जान छोड़ता। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। मरी जो है ना लाल होती है, ये लाल सी यार, इसकी ब्रीड फर्क कितना फर्क है मेरे साथ यार, उधर ले गया, उधर रख देखते हैं, उधर ले यार उन चाइनीज कच्ची खा जानी, क्या बोला तूने? यार उसको भी निकाल लिया, ब्रेक फिर जाना पड़ेगा, वही तो निकाल लेगा। यार इंडिया नहीं उसे रखते हो, मुझे लेना है नहीं, ये उसके लिए रखते हैं ये लोग, शिकार। हाँ ये मुझे ना हर वो बीच में ना डिफरेंट डिफरेंट नस्लें लग रही हैं, यही चढ़ाई है जो बड़ा वाला पीस है ना, वो सबसे डिफरेंट है, ये डिफरेंट मछली है, चिड़ाई है। बाकी चिड़ाई है वो छोटे साइज में होंगे, मुझे लगता है उसने बीच में जो है ना 100 पूरे करने के लिए डिफरेंट मछलियां डाल दी होनी है। खैर में जो है ना आज दुख मिल गया है, और सबको बारी बारी हम ये न्यूज देंगे। डर लगता है यार, रह रहा भाई ये इतनी सारी तो मर गई है, तो और ले आए मेरा ख्याल है। हाँ लेकिन आप ये ब्रीड नहीं लानी, जो भी लेके आनी है तो प्रोग्राम बनाओ। मैं क्या होने चलिए इस टाइम, वो बंद हो देखो उसका टाइमिंग लिखी है, टाइमिंग 5 बजे तक लिखी होनी है, 6:30 तो हो गए, जाते थे मैंने अंधेरा हो जाना है यार, और रात के टाइम मछली फार्मों के अंदर ना सही लोग नहीं जाते। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, मछली फार्म इस मामले में मशहूर होते हैं, इधर नाल दिया पा दो, अधिक कीमत यार नसल जिंदा दे दो। नहीं अब तू उसमें से निकालना क्या चाह रहा है? वैसे ना इसका साइज इतना होता ना फिर सही है, इतना सही है। अगर हम वहां से लेके आए ना, मार्केट में देखी है इतनी इतनी, अगर हम वहां से लेके आए ना क्या कहते हैं मछलियां फिश फार्म से, हम उनकी प्रॉपर फीड भी लेके आएंगे, उनसे पूछेंगे इतनी मछलियों को डालनी कितनी है। यही बात है, अगर ये बड़ी अच्छी बात कही आप, थोड़ी सी बड़ी मिली वो ले आए हैं सब्जियों में खाने के लिए, हां क्योंकि वो जिनके लिए हमने ये रखी थी वो तो खाते रही हैं, खुद ही खानी पड़नी है। 100 मछली 50 अलग अलग नस्ल की ले हैं, ये 2 महीने हाँ इतनी बड़ी हुई, क्योंकि ये हमने इतनी इतनी सी डाली थी, इतनी इतनी सी काफ़ी बड़ी हुई हैं। दरअसल फिर एक गल होर, ये असं लै गए आप जावे ना सू एक साइज मिलेगा, हाँ छोटा बड़ा साइज नहीं होना, घट छोटा बड़ा मिलेगा, वो बंदा सर्च करता रहा।
हम जो है ना बाकी अपने मामला देख लें, मुर्गों का दाना डल गया है, चूजों का भी डल गया है, कबूतरों का भी डल गया है, कुत्तों का भी टाइम नहीं होगा, कुत्तों का टाइम कुछ देर बाद होगा, उनको फिर डालेंगे हम लोग। ये ले किसी ना किसी ने ले जानी अगर तू तू बेचने वाला बने मतलब बेच दे कोई तो पैसे आएंगे वो वही उसमें और डाल के और मछलियां ले आएंगे। लो रही हम लोग एक दुख से निकलते नहीं है, नया दुख हमें मिल जाता है। हमारा जो है मछलियां पहले मरी हैं, अब हमने पानी चलाया बड़े पाइप से, तुम्हारा पंप भी सड़ गया। समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है वो किस्मत हमें कह रही है कि सब कुछ नया लगवाओ, जब तुम लोग रंग नया करा रहे हो ना, नहीं लगवाना इसी को ठीक कराएंगे। खैर हमने प्लम्बर बुला लिया है, पंप का क्या बना और बाकी मछलियों का क्या बना ये हम बताते हैं इंशाल्लाह कल, मिलते हैं फिर कल ही तो नए ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा चैनल का भी, और अल्लाह हाफिज़।